नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आप सभी के आशीर्वाद और आप सभी की दुआओं की वजह से मेरी सेहत पहले से काफ़ी बेहतर है। हालांकि अभी पूरी तरह से ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर ही आपके लिए वीडियो ला पाऊँगी। और एक बार मेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो जाती है तो फिर से हमेशा की तरह सरकारी योजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी आपके लिए दाखिले के अतिरिक्त जानकारी भी लेकर आऊँगी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों में दाखिले से संबंधित है, जिसे हम नॉन प्लान एडमिशन कहते हैं, उसके तहत दाखिला प्रक्रिया के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपका बच्चा कक्षा 11वीं में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना चाहता है तो किस प्रकार से दाखिला लिया जा सकता है और फॉर्म की अंतिम तिथि क्या है और फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आपका पसंदीदा सबकी शिक्षा बन चुका है सबकी शिक्षा फाउंडेशन, आप दान देकर हमारी मदद कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना जारी करी है, जिसके तहत ये जानकारी दी है कि वह सभी बच्चे जो कक्षा 10वीं, जिन्होंने अभी शैक्षिक सत्र 2022-23 में पास करी है, चाहे वह उन्होंने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में से पास करी है, वह अगर चाहते हैं तो सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना तो उनके लिए यह मौका है। 7 अगस्त से फॉर्म निकल गए हैं और 20 अगस्त तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पूछते हैं मुझसे कि हम सरकारी स्कूलों में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या फिर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्या हम अपने स्कूल को बदलने के लिए फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। यह फॉर्म केवल प्राइवेट स्कूल वाले, पब्लिक स्कूल वाले बच्चे भर सकते हैं, गैर सरकारी स्कूल वाले बच्चे भर सकते हैं जो कि अब कक्षा 11वीं में सरकारी स्कूलों में आना चाहते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म निकल जाएंगे 7 अगस्त से और 20 अगस्त फॉर्म को भरकर जमा करने की अंतिम तिथि होगी शाम 5 बजे 20 अगस्त, और 25 अगस्त को लिस्ट लग जाएगी और जो कागजात की जांच है यानी और दाखिले की प्रक्रिया है वह 26 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में होगी। ये जो फॉर्म भरना होगा यह ऑनलाइन होगा। अब आप पूछेंगे ऑनलाइन क्या होता है? ऑनलाइन मतलब कि आप डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग की वेबसाइट को खोलेंगे और वहाँ पर जो कि है www.edudel.nic.in वह खोलेंगे और वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन्स पर जाएंगे, वहाँ पर लिंक होगा, उसे क्लिक कर आप फॉर्म को भरेंगे। अब फॉर्म कौन भर सकता है? सबसे पहला वह बच्चा जो गैर सरकारी स्कूल से सरकारी स्कूल में दाखिला लेना चाहता है। दूसरा, अगर वह चाहता है दाखिले के लिए कुछ ये भी दिया हुआ है कि साइंस विद मैथ्स चाहता है तो उसके 55% परसेंटेज होनी चाहिए, विदाउट मैथ्स 55%, कॉमर्स विद मैथ्स 50, कॉमर्स विदाउट मैथ 50, ह्यूमैनिटीज में पास होना चाहिए और विषयों में भी कितनी होनी चाहिए उसकी जानकारी भी दी है। इसके लिए आपको ये नोटिफिकेशन ध्यान से देखनी होगी फॉर्म को भरने से पहले। साथ ही कुछ बच्चों को थोड़ी रिलैक्सेशन दी है, छूट दी है, जैसे कि मैं तो उदाहरण देके बता रही हूँ कि SC ST माइनॉरिटीज़ को, OBC नॉन क्रीमिलर, कश्मीरी माइग्रेंट्स को, वह बच्चे जो पहली दूसरी या तीसरी उन्हें पद मिला नेशनल गेम्स में या फिर स्पेशल बच्चे, इन सबको थोड़ा थोड़ा छूट दी गई है। और उम्र के बारे में बताया गया है कि बच्चे की उम्र 31 मार्च 2023 को 15 वर्ष या 16 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, 15 या 16, 17 वर्ष नहीं होनी चाहिए, 14 नहीं होनी चाहिए, ना 14 ना 17, बीच में 15 या फिर 16 होनी चाहिए। और आगे ये भी दिया हुआ है कि कैसे बच्चों को एक साल का गैप, जिनका एज रिलैक्सेशन मिल सकता है उसके बारे में भी दिया हुआ है कि एक साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है अगर कोई गैप ईयर नहीं है। और भी जानकारी यहाँ पे दी है, दिव्यांग बच्चों को छूट दी हुई है। और आपको सभी बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन फॉर्म आप फिल करेंगे उसमें कुछ जानकारी भरनी होगी, क्या क्या भरनी होगी, माता का नाम, पिता का नाम, घर का पता, आधार कार्ड अगर है तो, बैंक का अकाउंट नंबर अगर है तो, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, किसमें कितने मार्क्स आए हैं और कौन सी आपको स्ट्रीम यानी कि कॉमर्स चाहिए, साइंस चाहिए या ह्यूमैनिटीज़ चाहिए, क्या चाहिए। और आपको अपलोड करनी होगी मार्कशीट पिछली कक्षा की, क्योंकि ये 11वीं के फॉर्म है, इसे 10वीं की मार्कशीट को अपलोड करना होगा। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि उसे सिलेक्ट करने से आपके घर के पास के स्कूलों का आइडिया आपको लग जाएगा, फॉर्म में उनके डिटेल्स आ जाएंगे और आपको स्कूल सेलेक्ट करना होगा। घर के नज़दीकी सरकारी स्कूल में आपके दाखिले के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। और अगर आपको फॉर्म भरने में कन्फ्यूजन है, परेशानी आ रही है,
तो आप सुबह के स्कूलों में, जो सुबह के सरकारी स्कूल है, 9 बजे से 12 बजे तक जाकर अपने सवालों का जवाब जान सकते हैं, और शाम के स्कूलों में 1:30 से 4:30 बजे तक। साथ ही अगर आपको फॉर्म भरते समय आपको कोई गलती हो जाती है तो आप फॉर्म को डिलीट करके नया फॉर्म भी भर सकते हैं। और हेल्पलाइन नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर मतलब कि एक ऐसा फ़ोन नंबर जहां फ़ोन कर आप अपने सारे सवालों के जवाब जान सकते हैं, वह सुबह 7:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक, ऑल वर्किंग डेज़, यानी कि जिन दिनों में छुट्टी नहीं होगी, जो काम करने वाले दिन होंगे उनमें यह नंबर चलेगा। 1800116888, दूसरा है 10 यानी कि 10580। तो आप इन पर अपना फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं। दाखिले के समय भी कुछ कागजात की लिस्ट दी है, साफ साफ लिखा है कि डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, रेजिडेंस प्रूफ, अगर SC ST OBC का बच्चा कैटेगरी का है तो उसका सर्टिफिकेट, या डिसेबिलिटी के केस में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये भी साफ साफ लिखा है, जो स्कूल मिल गया वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो नोटिफिकेशन थोड़ा बड़ा है, 5 पन्नों का है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, काफ़ी जानकारी है। आपको मैं यह रिक्वेस्ट करूँगी कि फॉर्म भरने से पहले मेरी इस वीडियो को 2-3-4 बार सुनिएगा, और इस नोटिफिकेशन को भी 2-3-4-5 बार पढ़िएगा। अब आप जो बच्चे कक्षा 11वीं में दाखिला लेना चाह रहे हैं, कक्षा 10वीं तक पढ़ चुके हैं, वे पढ़ने समझने में अच्छे खासे तेज़ हैं, तो आप नोटिफिकेशन को आराम से समझिए, अपने अभिभावकों को भी समझाइए, और उसके बाद फॉर्म भरिए। और अगर आपका दाखिला उस मनचाहे सरकारी स्कूल में होता है जो आपके घर के पास है, जहाँ जाना जाना आपके लिए आसान है, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ इजाज़त दीजिए, नमस्कार।